हेलो गाइस, फाइनली एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड। तो कौन सी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, इसके लिए बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, इनफैक्ट बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं। तो बहुत सारे लोगों का यार ऑनगोइंग कॉल्स आए कि भाई जाग दिल्ली का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं। उन्होंने डाला था कि 15th मई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी काउंसलिंग आपकी चल रही है, कौन कौन सी काउंसलिंग आपकी रुकी हुई है, इंटायरली मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। वन बाई वन डिस्कस करते हैं भाई। अभी बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन गोइंग काउंसलिंग के लिए, तो देखिए आईपीयू का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो चल रहा है, बस रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपका जो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो 14 जून है। तो जिन बच्चों ने भी आईपीयू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना 14 जून तक भैया रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का पैसा जो है 1500 के अप्रॉक्स पड़ेगा। इसके बाद भी आपको 1000 रुपीज़ और देना होगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उसका डिटेल शेड्यूल अभी तक आईपीयू ने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही आईपीयू रिलीज़ कर देगा। दूसरा जो ऑनगोइंग काउंसलिंग चल रही है, इसके ऊपर भी डाउट है, वो जैक चंडीगढ़ का है। तो भाई जैक चंडीगढ़ का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पर चले जाएंगे, लेट से मैंने जैक चंडीगढ़ का क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं फर्दर चला गया तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल हैज़ बीन पब्लिश्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपका यहाँ से ओपन है। आप जाके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं और आपके शेड्यूल के हिसाब से आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको जाक चंडीगढ़ का एक बार दिखा देता हूँ ऊपर से। यहाँ पे जैसे आप शेड्यूल पे जाओगे, यहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा और यहाँ पे आप देखिए कि 1 मई से ही आपका पूरा प्रोसेस जो है रनिंग है। लास्ट डेट है वो 23 जून तक का है। तो एक बहुत बड़ा विंडो है कि भई अपना 23 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो ऐसी कोई हड़बड़ी गड़बड़ी मत करना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो भैया वेट कर लो। आप 20 जून तक भी करोगे, 21 जून तक भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत कोटा मत लगा देना। ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो अप्लाई मत कर देना, एससीएसटी का सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो अप्लाई मत कर देना। थोड़ा रुक जाओ, है ना, बहुत बड़ा विंडो मिलेगा। क्योंकि अभी काउंसलिंग यार जब तक जेई एडवांस का रिजल्ट नहीं होता तब तक कोई भी काउंसलिंग अच्छे से नहीं चलेगी, है ना। प्राइवेट काउंसलिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया अपना जेपी नोएडा। तो जेपी नोएडा को लेकर भी बहुत सारे कंसर्न है। तो जेपी नोएडा का भी जिसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं कराया, मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, एक बार अगर जेपी नोएडा ने अपना फॉर्म बंद कर दिया, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप जेपी नोएडा में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों को भी जेपी नोएडा कॉलेज को टारगेट करना है, आपका जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फरवरी से स्टार्ट हुआ था और जो लास्ट डेट है भाई रजिस्ट्रेशन का वो 6 तारीख है। आप 6 तारीख तक, सॉरी लास्ट डेट जो है वो 10 जून है। 10 जून तक आप जो है जेपी नोएडा का फॉर्म भर सकते हैं। अगर 10 से 11 जून एक बार हुआ जेपी नोएडा ने अपना क्लोज कर दिया, फिर आप नोएडा कैंपस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, जेपी के वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। इस वाली लिंक की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो हमसे। काफ़ी टाइम लग गया बच्चों आपके लिए बनाने के लिए, या पेरेंट्स आप देख रहे हो तो, लेकिन पूरा डिटेल वे में सब कुछ बना दिया है। अगर जेपी नोएडा की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे भी आपको भाई गेट स्टार्टेड करेंगे आप जेपी यूनिवर्सिटीज़, जेपी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, मेडिकल के लिए जेपी यूनिवर्सिटीज़ पे जाओगे, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको बीटेक के लिए अप्लाई करने का क्लिक हेयर पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप जाके अपना अप्लाई कर दीजिए 10 जून से पहले। उसके बाद जिन बच्चों को BIT जयपुर में एडमिशन चाहिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा मेन कैंपस है जो कि जोसा सीसाब से लेता है, पटना और देवघर भी अब जोसा सीसाब से लेने लग रहे हैं। लेकिन अगर आपको भाई जयपुर में एडमिशन चाहिए तो जयपुर ने अपना एडमिशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और ये जल्दी बंद भी कर देगा। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना हो भाई, यहाँ जाके अप्लाई कर दो एज सून एज पॉसिबल। जैसे वीडियो देख रहे हो सीधा वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इसमें जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल जैसे कोर्सेज हैं। एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख का है। कॉलेज बहुत अच्छा है, सीधा डिग्री आपको BIT मेसरा की मिलने वाली है। तो एक बढ़िया टैग के साथ अप्लाई करिए, 2-3 लाख रैंक भी है आपकी, तब भी चांसेस हैं कि कंप्यूटर साइंस IT जैसे ब्रांचेस आपको BIT जयपुर में आराम से मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो, एक बढ़िया बैकअप होगा। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो अपना अभी जो रनिंग अप एंड रनिंग है वो धीरू भाई अंबानी है, सॉरी ये मैं 5वें काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, 4 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डाइसेट की काउंसलिंग वही चल रही है। तो धीरू भाई अंबानी में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात तो ये सुन लो सबके लिए काउंसलिंग है ही नहीं। जिनकी भी रैंक जेई मेंस में 15,000 से नीचे आई है वही धीरू भाई अंबानी के लिए अप्लाई करें ऑल इंडिया कैटेगरी पे। गुजरात को होम स्टेट पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, बट
15,000 से 20,000 अगर आपकी जेईई मेंस में रैंक है तभी आपको डाइसेट के अंदर कोई ब्रांच देखने को मिलेगी। धीरू भाई ने भी अपना जो है एडमिशन निकाला हुआ है। अंबानी का जो धीरू भाई अंबानी का जो लास्ट एडमिशन है वो अप्रॉक्स 17 जून को ही अपना बंद कर देगा पोर्टल, तब तक यार रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है, ठीक है। अब जेपी नोएडा दो मोड पे लेता है, पहली जो मैंने अभी बात करी सारी मैंने जेईई मेंस की बात करी, 12th के बेस पे भी जेपी नोएडा अपना एडमिशन कंडक्ट करता है। इसका जो लास्ट डेट है भाई वो बंद होने ही वाला है, 31 मई को आखिरी डेट है जहां पे आप 12th के बेसिस पे जेपी नोएडा में अप्लाई कर पाओगे। एक बार अगर ये विंडो जाके बंद हो गया तो 12th पे जेपी नोएडा आपको नहीं लेगा। तो जिन बच्चों का भी सीबीएसई में परसेंटेज 85 के ऊपर आता है वो जरूर से जरूर जेपी नोएडा में अप्लाई करिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच भी अगर आप ले लेंगे तो 75 तक भी है आप तो अप्लाई कर दो, डेफिनेटली आपको ईसी का ऑप्शन जेपी नोएडा में देखने को मिल जाएगा। अगला जो काउंसलिंग है वो है जैक चंडीगढ़, जो कि ऑलरेडी बता दिया है, इसने पूरा शेड्यूल ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसका शेड्यूल आप एक बार देख लीजिए। इस पर डिटेल वीडियो आने वाली है कि भाई स्पॉट राउंड तक जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग कैसे करवाना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फिर आपका स्पेशल स्पॉट राउंड किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, बहुत बड़ा विंडो है तो आपको मिलेगा। इसके अलावा सर क्या काउंसलिंग खत्म हो गई, इतनी काउंसलिंग है नहीं, बहुत सारी काउंसलिंग है, आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए आईपीयू जैक दिल्ली, एक काउंसलिंग है एमपीडीटी मध्य प्रदेश डीटी की काउंसलिंग, इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट हमको नहीं मिला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मानिए कि 15 जून से ये काउंसलिंग अप एंड रनिंग होंगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एक डेट बता रहा हूँ। उसके बाद रीप राजस्थान, जिन बच्चों को राजस्थान की काउंसलिंग करवानी है, ये स्टेट भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, रीप राजस्थान ने भी अभी तक काउंसलिंग के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही जेईई एडवांस का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले हफ्ते से ये सारी काउंसलिंग अप एंड रनिंग होगी और सबसे पहले वीडियो आपको करियर कनेक्ट सर्विसेज पे मिल रहा होगा। तो इस चैनल को अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक बार भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होती है तो एक बड़ा मिस होगा। काउंसलिंग में सब इन्फॉर्मेशन का ही गेम है, अगर आपसे कुछ भी मिस होता है तो आप समझिए कि एक बड़ी चीज़ों को मिस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बच्चों को भी काउंसलिंग में कोई समस्या आ रही है भाई वो हमारे 3 पैकेजेस ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो हम ऑफलाइन में भी अवेलेबल हैं आपके लिए, उसके लिए 999 ऑफलाइन सपोर्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये बहुत लिमिटेड स्लॉट्स के लिए है, 15 से 20 स्लॉट्स ही इसके अंदर अवेलेबल मिलते हैं एक टाइम के बाद, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बंद हो जाता है। तो जिनको भी ऑफलाइन हमसे कनेक्ट करना है 1-to-1 की, सर हमसे बात करिए, आप अच्छे कॉलेजेस का प्रेफरेंस बता दीजिए, 1 आवर का मेंटर सेशन सपोर्ट मिलेगा जिसमें मेन काउंसलर्स आपसे बात करेंगे, हम बैठेंगे, हमारी पूरी टीम की जो सीनियर काउंसलर्स है वो बैठेंगे, आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इन किसी भी काउंसलिंग को आप लेंगे तो चॉइस फिलिंग आपको ऑल इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होगी सबकी चॉइस फिलिंग मिलेगी। मार्केट में कोई भी काउंसलर ऐसा नहीं है जो कि आपको सारी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग इतने कम अमाउंट में दे दे। 999 जनरली लोग एक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग देने के लिए लेते हैं, हम अगर आप 999, 799 या 499 का बच्चा भी प्रीमियम लेता है तो उसको जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपीयू, एमपीडीटी, राजस्थान की काउंसलिंग हो गई, चाहे हरियाणा की HSTS हो गई, चाहे वो LNMIT में बैठ रहा हो, चाहे वो थापर में बैठ रहा हो, किसी भी काउंसलिंग में आप बैठ रहे हो उसकी चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉल सपोर्ट आपको 1 टाइम मिलेगा। बहुत बच्चे जो ऑलरेडी इसको परचेस किए हैं, कई लोग शिकायत कर रहे होंगे कि कॉल में डिले हो रहा है। देखिए रीज़न ये है कि कोई भी काउंसलिंग अच्छे तरीके से अभी खुली नहीं है, आपके जो भी मन में डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक कॉल सपोर्ट रखा है 1.5 घंटे का 1 घंटे का। उसके लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको कौन सी काउंसलिंग में जाना है, अभी वो अप एंड रनिंग ही नहीं हुई है, कई बच्चे कॉमेडी का एग्जाम दिए हैं तो उनका भी रैंक आना बाकी है। तो आप सबको 110% हमारी तरफ से कनेक्ट किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। जिस बच्चे ने भी हमारा कोई भी सपोर्ट प्लान लिया होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिससे हम या हमारी टीम कनेक्ट ना करे, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर डिले हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे नाउ के ऑप्शन के साइड में हमारा ईमेल सपोर्ट है, आपको वहाँ पे अपना कंसर्न बताना है कि सर मुझे कॉल नहीं मिला है, इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर आपके ईमेल का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, कि आपको कनेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। देखिए जब आप इस प्लान को परचेस करते हैं डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम आपके लिए रैंक वाइज काम करती है भाई, 30 काउंसलिंग का 20 काउंसलिंग का डेटा एक बार में बना देना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर मजाक की बात होती तो बहुत सारे काउंसलर दे रहे होते, है ना, तो बहुत टाइम लगता है, 48 घंटे
तक का टाइम हमें बस सीट प्रिपेयर करने में लगता है, जो कि हमने बहुत फास्ट करके अब 24 घंटे के अंदर हम आपको सीट डिलीवर कर दे रहे हैं। तो जब पेमेंट करेंगे विद इन 24 आवर्स आपके हाथ में भाई ऑल इंडिया कैटेगरी में क्या मिल रहा है वो सारा डिटेल आ जाएगा कि भाई मेरे को आईपीयू में क्या मिल रहा है, जैक दिल्ली में क्या मिल रहा है, जोसा में क्या मिल रहा है, सीसम में क्या मिल रहा है, एमपीडीटी में क्या मिल रहा है, एकेटीयू में क्या मिल रहा है, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, एलएनएमआईटी थापर कहाँ क्या मिल रहा है, इवन वीआईटी ट्रिपल ई कॉमेड के एसआरएम सब इंक्लूडेड है। तो पूरा एक फाइनलाइज रिपोर्ट आपके हाथ में जाएगी। इवन महाराष्ट्र सेट की काउंसलिंग जो कोई नहीं करवाता उसके लिए भी हम डिटेल में आपको पूरा रैंक एनालिसिस देते हैं। तो यार इसको सपोर्ट को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा वेबसाइट की, जहां से जाके इसको आप ले लीजिए। हमारा व्हाट्सएप भी है जहां से आप जाके इसको परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी परचेस करेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको जो है कनेक्ट कर लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आते हैं काउंसलिंग और कौन कौन सी बची हुई है उस पर। ठीक है, जोसा और सीसैप की काउंसलिंग के लिए अभी कोई अपडेट नहीं आया है। देखिए इसका सीधा सीधा जेई एडवांस से कनेक्शन है, जब तक आपका जेई एडवांस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जोसा और सीसैप पे कोई अपडेट होगा भी नहीं। तो आप आराम से बैठे रहिए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद होता है एचबीटीयू और एक काउंसलिंग होती है एकेटीयू। तो यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली तीन काउंसलिंग है, एकेटीयू, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी। इनके ऊपर भी कोई अपडेट अभी नहीं आया है। जैसे ही आपका अपडेट आएगा, इस बार एकेटीयू ने अपनी वेबसाइट पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया है कि भाई वो अब जब जाओगे यूपीएसडब्ल्यूई एकेटीयू की यूपी टेक की जो वेबसाइट है, यूपी टेक के नाम से होगा, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग खोलोगे तो यहाँ पे 2024 का डेटा लोड हो चुका है, लेकिन इन्होंने विल बी अवेलेबल सून लिख दिया है, मतलब 15 जून तक मान लीजिए इनका विंडो खुलेगा। तो अभी पैनिक मत होइए, अभी आपको जो ध्यान देना है वो ये नहीं देना है कि भाई कौन सी काउंसलिंग में ये खुल गया है क्या, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आएगा। आपको ध्यान देना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिल रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने का टाइम मिल रहा है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, मेक श्योर करिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए फुल्ली। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं, चाहे आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो या आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट हो, आपको वो अपडेटेड चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है 2023-2022 का सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं जो कि काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो पूरा पैसा है वो फंस जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है एचबीटीयू कानपुर के कोई अपडेट नहीं आया, ट्रिपल एमयूटी ने भी कोई अपडेट नहीं दिया है, जैक चंडीगढ़ में बता चुका हूँ, एलएनएमआईटी लक्ष्मी नारायण मित्तल ये जो काउंसलिंग है ये जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी चला रहा है। ठीक है, तो एलएनएमआईटी में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है अप्रॉक्स 7 तारीख तक कर सकते हो, 7 जून तक का टाइम है जिसको आप लोग अप्रॉक्स सॉरी 12 जून तक अप्रॉक्स जो है आप अपना एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। देन फिर थापर की काउंसलिंग अप एंड रनिंग है, थापर में ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है, पहला स्लॉट उन्होंने रिलीज भी कर दिया है। ठीक है, 10+2 पे जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी थापर की वो अप्रॉक्स 8 तारीख थी, जहां पे वो क्लोज हो चुका है, दोबारा से ये चाहें तो ओपन कर देते हैं, आपको अपडेट देखना पड़ेगा। कॉमेड के का अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो उस पर कोई अपडेट नहीं है, WVJEE का भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, स्कोर कार्ड आया तो उस पर भी कोई अपडेट नहीं है। MST सेट बहुत लेट काउंसलिंग कराता है, आप मान के चलिए कि MST सेट की जो काउंसलिंग होती है वो कहीं ना कहीं जुलाई लास्ट में अगस्त तक स्टार्ट होती है, तो बहुत लंबा टाइम MST सेट आपको देता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स हमने सारी काउंसलिंग का बता दिया कि भाई अपडेट क्या है, अप एंड रनिंग में जो डेटा है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई अभी कौन कौन सी काउंसलिंग चल रही है, तो मैं लास्ट टाइम पे दोबारा से आपको शेयर कर दे रहा हूँ, है ना, ऑन गोइंग और स्टार्टिंग सून जो है वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग में आता है IPU, जैक चंडीगढ़, JP नोएडा, BIT धीरूभाई अंबानी, डाइसेट और जैक चंडीगढ़ ऑलरेडी है, स्पेशल राउंड वगैरह सब आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैक दिल्ली जो है वो किसी भी समय आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता है। वेबसाइट पर जब आप जैक दिल्ली के जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई 20 तारीख से वो लोग सॉरी 15 तारीख के बाद से वो कभी भी डाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल संडे या मोस्टली मंडे तक आपका पूरा जो है काउंसलिंग जैक चंडीगढ़ जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई गलती ना करें उसके लिए हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अपलोड करना है, क्या चीज़ें रहेंगी, एंड टू एंड पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा। लास्ट ईयर भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि पिछले साल का था, लेकिन अपडेटेड इस साल
के पोर्टल के साथ आपको पूरा वीडियो मिलेगा, तो उसको देखना, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना। किसी भी प्रोसेस को रजिस्टर करने से पहले ध्यान रखें कि विंडो कितना बड़ा है। अगर विंडो है आपके पास 1 महीने का 15 दिन का, तो मेक श्योर करिए कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हों, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें और सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर आपने गलती कर दी, एक बार कैटेगरी सब कैटेगरी गलत भर दिया, आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, तो पूरा काउंसलिंग आपका ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए डेफिनेटली आप थोड़ा पेशेंस रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये जो लिस्ट चाहिए, बहुत सारे बच्चों को चाहिए होगा, तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाए। कई बार यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से गूगल सीट सपोर्ट नहीं करता, तो हम इसको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा देंगे, जहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके ये लिस्ट आपका ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इस पे हम जनरली सारा डेटा जो है अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आप सबकी बहुत हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।